हमारे विश्वविद्यालय में जो पेपर लीक का प्रकरण चल रहा है, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के कई टीचर, प्रोफेसर, डीन वगैरह फंसे हैं, ये हमारे विश्वविद्यालय की कमी है। जिस विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने वाला था, उस विश्वविद्यालय में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, ये बहुत ही शर्मनाक है। हम चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय में परमानेंट एक विसी लगाया जाए, जिससे कि आगे जाके इस प्रकार की समस्याएँ नहीं आए। दिक्कत यह है कि जो अपनी यूनिवर्सिटी है उसमें क्या है, जो अपना प्रशासन है वो बिल्कुल मतलब एक सपोर्टिव नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है इस चीज़ को लेकर, अपने स्टूडेंट्स है वो सपोर्ट नहीं कर रहे इस चीज़ को लेकर। लेकिन ये है कि चेकिंग फैसिलिटीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा गलत है, हर चीज़ गलत है। तो यूनिवर्सिटी को एक प्रोग्राम बनाना चाहिए, एक प्रोसेस बनाना चाहिए कि इस प्रोसेस से काम होना चाहिए ताकि बच्चों को फ़ायदा हो सके इस चीज़ से। कि एक बार डिसीजन जो ले लेते हैं उस डिसीजन पे नहीं है ये, और उसके बाद में एक बार एग्ज़ाम ले लिए इन्होंने, उसके बाद में इन लोगों ने सारे मतलब जिनको अरेस्ट करना था कर लिया, उसके बाद में 2 महीने बाद में ये सो करके उठ रहे हैं और कह रहे हैं कि एग्ज़ाम वापस देने पड़ेंगे। तो हम इस बिल्कुल भी एग्ज़ाम नहीं देना चाहते क्योंकि हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि हमें अपने आगे के बारे में भी सोचना है। एक व्यक्ति मंत्री इतना सीनियर जो सांसद भी रही है, उसका जलदाय विभाग चेंज करके उसको शिक्षा दिया, वहाँ भ्रष्टाचार करके आए, यहाँ भी भ्रष्टाचार फैला रही है, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दे रही है, लोगों को कोई रोजगार नहीं है, ट्रांसफ़र पॉलिसी का कोई पता नहीं है, पोस्टिंगों में घफले हो रहे हैं, नौकरियों में घफले हो रहे हैं, आए दिन हर तरीके की अनियमितताएँ बरती जा रही हैं। तो उच्च शिक्षा में क्या किया जाना चाहिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो आज सूरत हाल है उन हालात को बदलने के लिए क्या उपाय होने चाहिए, और किरण महेश्वरी ने जो कुछ कहा क्या वो बेहतर तस्वीर को पेश कर सकते हैं। विमल अग्रवाल साहब, राजस्थान यूनिवर्सिटी में अगर किसी बदलाव की या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में अब उच्च शिक्षा के ढांचे को बदलने की बात की जाए तो क्या मंत्री को अपने स्तर से प्रयास शुरू करने चाहिए, सरकार में वो चीज़ें जो बदलनी चाहिए वो कौन कौन सी होनी चाहिए? सरकार में तो जो कुछ निर्णय करना होगा वो करेंगे, लेकिन विश्वविद्यालय में सरकार बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं कर सकती, वो करेगी तो स्वायत्तता के नाम पर विश्वविद्यालय में जो रहने वाले शिक्षक हैं और बाकी छात्र नेता हैं वो सभी विरोध करेंगे। यहाँ विषय परीक्षाओं से जुड़ा हुआ है, मेरा एक सुझाव है, मेरा एक राजनीतिक आधार पर होने लगी है, उसी को लेकर दरअसल ये सवाल खड़े होने लगे। आज के बवाल के बीच में ये मसला बार बार उठा, स्थायी कुलपति नहीं है, होते तो कम से कम बच्चों की समस्या का निपटारा आसानी से हो जाता। ब्रेक से पहले ही भी ये मसला आया कि जो संभागीय आयुक्त हैं वो बच्चों को समय नहीं देते, लगातार गुहार लगाई जा रही है लेकिन वक्त नहीं मिल पाता, क्या किया जाए? नहीं, ये व्यवस्था तो ठीक नहीं है, ये तो करनी ही नहीं चाहिए किसी शिक्षाविद को या किसी दूसरे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को या इस विश्वविद्यालय के सीनियर मोस्ट प्रोफेसर को चार्ज दिया जा सकता है। वो समय देगा, समझता है विषय को, सामान्य प्रशासन अलग है, शिक्षा का प्रशासन अलग है। बाकी जहाँ तक ये प्रश्न पत्र का विषय है, मेरा एक सुझाव है कि अभी एक आदमी सेट करता है और वही पेपर आ जाता है, इसलिए उसको मालूम है कि मेरा पेपर आएगा, वो प्रश्न भी बता सकता है। यदि हम एक साथ 3 लोगों से पेपर सेट कराएं, और मैं बोर्ड पैटर्न पे आना चाहूंगा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का काम आपने देखा, उस दौर में जो पेपर सेटर्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, और क्या वो पैटर्न राजस्थान यूनिवर्सिटी में लागू किया जा सकता है? वहाँ के पैटर्न में हम 3 पेपर सेट कराते थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, उन 3 पेपर का मॉडरेशन भी होता था, इसलिए पेपर सेटर भी ये नहीं कह सकता कि मैंने जो प्रश्न जिस भाषा में दिया उसी भाषा में आएगा, और उन 3ों में से कौन सा पेपर छपने को गया है यह जानकारी केवल सीक्रेसी के अधिकारी उनको रहती थी, बोर्ड चेयरमैन को भी नहीं रहती है। इसलिए वो यदि व्यवस्था यहाँ लागू की जा सकती हो तो एक से अधिक पेपर होने पर कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरा ये पेपर आएगा। पेपर तो 3 ही सेट होते हैं, अभी 3 ही पेपर सेट होते हैं। और अभी जो अश्विनी जी जो खामी लगी ना, जब इनको अगर ये तय करना था कि हमें एग्जाम दोबारा कराने हैं तो ऑलरेडी पेपर सेट है, चूंकि एक पेपर आउट हो चुका है, बाकी 2 पेपर वहाँ थे, तो ये बहुत जल्दी से ये तय कर देते, तो इसमें वाकई में जो है विश्वविद्यालय प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। और उसके बाद जब छात्र आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आप वहां पर उनसे नहीं मिल रहे हैं तो छात्र के पास जो है उपद्रव करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है। क्या लक्ष्मीकांत जी मानते हैं सरकार को फैसला तो जल्द से जल्द करना चाहिए इस पर? देखिए, सरकार ने अभी उच्च शिक्षा मंत्री ने आप ही के चैनल पे बोला है कि SOG से वो रिपोर्ट लेट आई और उसके बाद ये फैसला लिया गया, ये तो हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने आपके चैनल पे अभी अभी बोला है, तो इसमें तो सरकार तो उसमें कुछ कर नहीं सकती। देखिए, इसमें क्या है, रूट्स जो है वो रूट्स तय करती है कि आपकी यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी। जिस दिन SOG ने आरोपी प्रोफेसर की गिरफ्तारी की उसी दिन मंत्री का बयान आया जो कि शुरुआत में मैंने दिखाया भी, उस दौरान उन्होंने 2 प्रमुख बातें की कि अब एग्जाम पैटर्न को रिव्यू किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा से ज्यादा हो इस बारे में कोशिश की जाएगी, और आगे क्या चीज हो उस पर फैसला किया जाएगा, लेकिन 3ों ही काम नहीं हो पाए। नहीं, अभी आपने पूरी उनकी बात सुनिए, देखिए नहीं सुनिए, पूरी बात सुनिए जी। आप क्या है कि आपने एक टॉपिक और छोड़ दिया, इसमें मैं जोड़ूंगा उसको भी आपके इस डिबेट में,
ये क्या है कि उन्होंने तीनों बातें की हैं, जो तीनों बातें आपने उठाई वो तीनों बातें उन्होंने की हैं। एग्जाम सिस्टम को रिव्यू करना ये यूनिवर्सिटी का काम है, वहाँ वाइस चांसलर और उसका उसका जो सिंडिकेट वो सिंडिकेट उसको डिसाइड करेगी, जो जो यूनिवर्सिटी का पेपर होगा सिस्टम उसका। दूसरा जो शिक्षाविद की बार बार बात आ रही है वो उन्होंने आपको आपके चैनल पे बोला है। देखिए एक टॉपिक आप छोड़ रहे हैं, इस पूरे डिबेट से जुड़ा हुआ है। इस देश इस प्रदेश में भी एक बहुत बड़ा घटनाक्रम चल रहा है कि हम कैसे शिक्षक वहां नियुक्त करते हैं, कैसे कर्मचारी वहां नियुक्त करते हैं, ये बहुत डिपेंड करता है कि हमारा सिस्टम कैसे चलेगा। और आपने देखा भी कुछ यूनिवर्सिटियों में एसीबी ने ऐसे ऐसे लोग अरेस्ट किए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के नजदीकी लोग, जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त होकर ऐसे शिक्षकों की वहां नियुक्तियां कर रहे थे जो कि एलिजिबल ही नहीं थे। लक्ष्मीकांत और नरेंद्र जी आरोपों की बात नहीं है, आरोपों की बात नहीं है। नगेंद्र जी और लक्ष्मीकांत जी पॉलिटिक्स का मसला नहीं है, इससे ऊपर उठ जाइए आप लोग। नगेंद्र जी आप दोनों मसले से भटक रहे हो, नरसिंह किराड़ साहब मैं आपके पास में आ रहा हूँ, रुकिए। विमल अग्रवाल जी, सवाल इस बात का नहीं है, एक दूसरे पर पॉलिटिक्स डाल रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है। भैया राजस्थान की तरफ भी है जो है, लक्ष्मीकांत जी रुकिए, मैं आ रहा हूँ नरसिंह किराड़ साहब क्या होना चाहिए, आ रहा हूँ अश्वनी जी, विमल जी और मैं आप दोनों के पास आना चाहूंगा। लक्ष्मीकांत जी ने भी कहा कि वो लोग लिप्त थे, उनको अरेस्ट किया ना, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ इस राजस्थान विश्वविद्यालय की पहचान पूरे विश्व में है। गवर्नर लेवल पर जो वाइस चांसलर थे जेपी सिंगल साहब, उनको हटाए जाने के बाद ही तो ये एक अकेडमिक व्यक्ति को नहीं चुना गया, एक प्रशासनिक व्यक्ति को वाइस चांसलर बनाया गया। मेरा विषय समझने की कोशिश करना, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो चूक नहीं हुई होती तो क्या जो लाखों विद्यार्थी जो सफर कर रहे हैं, हमारा यहाँ परमानेंट वाइस चांसलर होता, हमारे बच्चों की समस्याओं को सुनता, तो हो सकता है कि अगर पेपर लीक भी हुए तो उसके तुरंत बाद डिसीजन ले लिया जाता। क्या एक पूरे प्रदेश में एक इनको एक ऐसा शिक्षाविद नहीं मिला? लेकिन इनकी एक पैटर्न है, इनका सिस्टम है कि जो आरएसएस की पाठशाला में जो लोग, मैं इस पर नहीं आ रहा, प्लीज रोक रहा हूँ मैं आपको, मैं इस पर रोक रहा हूँ, मैं आपत्ति है, मेरी आपत्ति है इस बात पे आपत्ति है। विमल अग्रवाल जी आप सुनिए, गांधी की पाठशाला में जो पढ़ के आता है वो, लक्ष्मीकांत जी रुकिए, मैं मेरी आपत्ति है, मैंने बोला प्लीज मेरी नहीं है, आप दोनों ने जी इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती कुलपति की नियुक्ति मेरे ख्याल से स्थायी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी डिसीजंस लेने अगर विश्वविद्यालय के हित में, तो स्थायी जो कुलपति होंगे वो डिसीजन प्रॉपरली ले सकेंगे। अस्थायी तो अपने हिसाब से डामाडोल स्थिति में, क्योंकि पूरा डिसीजन ले नहीं पाता कोई भी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स के आगे का करियर देखते हुए इस तरह के नियुक्ति जो है परमानेंट होनी चाहिए।